हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो अकेलापन दूर करना। 50 साल के बाद जो अपना जीवन साथी कोई गवा देते हैं तो वो जो अकेला होता है, अकेले में डिप्रेशन में आके वो सुसाइड भी कर सकते हैं, अकेले और पर भी हो सकता है, उनका मर्डर भी हो सकता है। उसका एक ही अच्छा उपाय है कि वो अपना जीवन साथी खोज ले। तो हमारा प्रयास है ये उनकी सहयोग से कि जो अकेलापन महसूस करता है उनको जीवन साथी चाहिए, एक हम सफर चाहिए, कोई बातचीत करने वाला चाहिए। आजकल लड़के हमारे बहू लड़के होते हैं उनके पास टाइम नहीं, किसी के पास टाइम नहीं था, वो वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। तो वृद्धाश्रम में खाना और रोटी में मकान मिलेगा लेकिन अपनापन नहीं मिलेगा। तो हमारा मेन जो पर्पज है अकेलापन दूर करना, तो वो कैसे हो सकता? तो एक गेट टूगेदर होगा 7 अप्रैल को एबोव 50 के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, याद रखिए, एक भी रुपया नहीं लेना है, सब ये रोटरी क्लब ने स्पॉन्सर किया है। और लेडीज कम आती हैं, उनको भी इच्छा होती है लेकिन समाज का घर से नहीं आती, तो उनके लिए स्पेशल इंसेंटिव, एनी पार्ट ऑफ इंडिया कहीं से भी लेडीज आएगी, आने जाने का फेयर, खाना और एक साड़ी एज ए इंसेंटिव दी जाएगी। तो लोग तो हमारे पास 4000 है जेंट्स ऑल इंडिया में, मैंने उसके पहले हैदराबाद, पूना, रांची, छत्तीसगढ़, रायपुर, बेंगलोर सभी जगह किया, पूरा इंडिया का 4000 है मेरे पास। गुजरात में हमने जो सारी कपल बनाए हो 52 है और लिविंग रिलेशन 11। एक सुप्रीम कोर्ट का जो आया था रूलिंग अक्टूबर 10 में कि लिविंग रिलेशनशिप इज नॉट एन ऑफेंस, तो उसके जरिए हमने 20 नवंबर 11 को अहमदाबाद में फर्स्ट टाइम किया। वो जो आमिर खान ने जो सत्यमेव जयते एपिसोड नंबर 11 वो हमारे साथ है, मिश्रा साहब भी थे, तो उसमें भी उसने अच्छा सर्टिफिकेट हमको दिया है। और ऑल इंडिया का जो बुक ऑफ इंडिया, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी हमारा हम सर्टिफिकेट लाए हैं, उनका भी अवॉर्ड मिला है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि जो बुजुर्ग लोग हैं तो वो घूम घूम के क्यों मरेंगे, उनके जो जिंदगी के 10 साल 20 साल 15 साल वो हंसी खुशी प्रेम से बिता सकते हैं, उनको एक सहारा चाहिए, बातचीत करना हम सफर चाहिए, इसीलिए हमारा प्रयास है। तो अगर आपको कोई फोटो चाहिए तो हम जो कपल फोटो है हमारे पास 60-70-80 साल के भी हमारे पास, और लिविंग रिलेशन से अगर मेरे पास अहमदाबाद में दो कपल उनका टेलीफोन नंबर चाहिए तो वो भी मैं ले सकता हूँ, उनकी आप इंटरव्यू ले सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा बाहर नहीं आते। हमारे इधर प्रयास है कि लिविंग रिलेशनशिप प्लस मैरिज, ये दोनों हैं जो बॉम्बे में फर्स्ट टाइम बोला जाएगा, प्लस कभी कभी लिविंग मान के हमको शादी करना नहीं है तो एक फ्रेंडशिप चाहिए दूसरी लेडीज की, तो वो भी एक ऐड किया हो, इसलिए हमारा फर्स्ट टाइम मल्टीपर्पज होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो सहयोग मिलेगा, अच्छा प्रश्न निकलेगा, तभी एप्लीकेशन आएगी। मीडिया हमारे साथ है तो हम जीरो, अगर आप नहीं है तो हम जीरो है, याद रखिए।